हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह, यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, जिसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस जीके का टेस्ट करवाते हैं। और इसमें आपको अपनी प्रिपरेशंस पता कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी इस लेवल पर है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो कि स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो आपका राइट आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से दोनों देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, समुद्री सीमा, तो स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है आपका म्यांमार। ठीक है, राइट आंसर आपका म्यांमार हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या है संदेश सेवा, किस क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संदेश सेवा आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स, तो प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ठीक है, टैक्स दो तरीके से गवर्नमेंट लेता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू टैक्स होता है। ठीक है, जैसे कि आयकर, आयकर और निगम कर, संपत्ति कर, ठीक है, आदि ये सारे टैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? इसमें से कोई भी प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? आपको राइट आंसर बताना है। देयर आर फोर ऑप्शंस, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? आपका फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में डियर? 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संविधान जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, तो संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारे देश में, तब कितने थे? तब थे 27। ठीक है, उसके बाद एक को हटा दिया गया था, लेकिन समाजवादी आदर्शों की प्राप्ति एवं भारत में व्यापक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है? तो 300 आर्टिकल 300 के तहत एक विधि अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अतः वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कितने हैं? 6 अधिकार हैं, 6 राइट्स हैं, जिन्हें हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में पढ़ते हैं। और मौलिक अधिकार स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? लघु मतलब छोटा। आसान और इजी, और कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है और आगे भी रिपीट होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 42वें जो संविधान संशोधन है उसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिनमें से निम्नलिखित थे। ठीक है, आप लोगों को विस्तार से इसको पढ़ना है तो हम पॉलिटी का पूरा एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताएंगे, तो उन सभी में इसी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा।
ठीक है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि लघु जो संविधान बोलते हैं वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है और ये आपको सभी पता होना चाहिए। तो मिलान करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो पहला है, बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर बिलोंग करता है या किस राज्य में है? तो बृहदेश्वर जो ये मंदिर है ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, याद रख लेना इस चीज़ को क्योंकि एग्जाम में आता है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? भाई दिलवाड़ा मंदिर आपका, दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर ये आपका डियर पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और हम्पी में स्मारकों का मंदिर एक ही बचा है, तो एक का करेक्ट होना उसका उसकी मजबूरी है, तो ऑप्शन डी का तो ऑब्वियसली कर्नाटक है। तो हम्पी में स्मारकों का मंदिर कर्नाटक है। इस मिलान से हमें समझ में आया है कि हमारा जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। याद रखेंगे सभी मंदिर और उसके स्टेट्स कहाँ पर हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? 31 नंबर को आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जिसे बोलते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में हराया था? तो वो युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757, 1757, 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी किनारे प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी के सेना ने रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चंस। बीच में थोड़ा सा इंटरप्शंस के लिए सॉरी, किसी ने म्यूज़िक बजा दिया था बहुत लाउड और उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अल्पाश पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? अल्पाश पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह पर्वत श्रृंखला स्थित है यूरोप में, ठीक है, यूरोप में यह स्थित है और मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है, तो यूरोप में स्थित है। आइए मूव करें क्वेश्चन नंबर 33। ITCZ का संक्षिप्त रूप, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आई फॉर क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग आई फॉर अंतर, टी से उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट है। याद कर लीजिए, एग्जाम में रिपीट होने के फुल चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से किस में नहीं होती है? कोशिका भित्ति नहीं होती है, याद रखेंगे कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो आपसे बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है और राइट आंसर आ क्या? माइक्रो प्लाज्मा, ठीक है, माइक्रो प्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका सूत्र कणिका, ठीक है, सूत्र कणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यूमेटोफोरस का कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है यूमेटोफोरस का, क्या कार्य होता है यूमेटोफोरस का? कार्य होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन बी श्वसन के लिए, सांस के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना यूमेटोफोरस का कार्य होता है, याद करिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी आवृत्ति निर्धारित करता है। नाउ 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्राकृतिक को दिखाती है?
तो 38 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाश की कण को, प्रकृति को दिखाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं 39 क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, काफी एग्जाम में रिपीट किया गया है। चार्ल्स बेबिस। चार्ल्स बेबिस को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बाकी आपके सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ठीक है, मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम इसका है ब्लीचिंग पाउडर, याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो क्लोरीन गैस को चूने के साथ मिला देने से बनता है। किसको? Cl2, क्लोरीन गैस को चूने के साथ मिलाते हैं तो बनता है। और ताज़ा ब्लीचिंग में कम से कम 35% क्या होता है, क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन गैस मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल से। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों की समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? पीरियोडिक टेबल्स में समान तत्वों की समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? देयर आर फोर ऑप्शंस। राइट आंसर क्या है आपका? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का मिलना। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का मिलना। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? तो निकिल के कारण होने वाला रोग, 42 नंबर, त्वचा शोथ। ठीक है, स्किन की बीमारी होती है, स्किन निकल के कारण हमें स्किन की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगे इनको 6,000 की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं 44। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने किया था? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने किया था? इयान डोनाल्ड। अच्छा, आविष्कारक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किसी ने क्या खोजा सबसे इंपॉर्टेंट है। इयान डोनाल्ड ने डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किया था। ऑप्शन बी आपका क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो ये सारे युग्म आपके सही हैं। ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो, ग्रीष्म ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 लंदन। सो आई होप क्लियर हो गया आपका। तीनों ऑप्शन आपका बेटर है, अच्छे हैं, कोई भी इसमें एरर नहीं था। 46 नंबर क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के आयोजित नमामि ब्रह्मपुत्रा नदी महोत्सव का हिस्सा लिया था? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने हिस्से में पार्टिसिपेट किया था? तो नमामि जो ब्रह्मपुत्रा महोत्सव में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो 2017 की बात है, 2017 की बात है। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूटान के प्रधानमंत्री जरीन टोबगे समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, योग गुरु बाबा रामदेव, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा समेत कई हस्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो भूटान के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसमें 2016 2017 का आपका मिल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो जैसे कि अभी अभी क्या खेल रत्न अवार्ड, तो ये आपका 2020 2019 को आपको याद करना है। ठीक है, एंड ये आपके लिए उतना उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जीतू राय इसका राइट आंसर है, बट यूजफुल उतना नहीं है। आपको करंट का यूज याद करना है, 2019 2021 का। अखाड़ा द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? 48 राइट आंसर क्या है? सौरभ दुंगल। ठीक है, तो ये लेखक थे सौरभ दुंगल। 49 क्वेश्चन, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के साथ भारतीय रेल डेडिकेटेड फाइट कॉरिडोर के लिए समझौता किया गया है? मोनाश विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, मोनाश विश्वविद्यालय। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया है? 50 नंबर क्वेश्चन और
करंट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका म्यांमार है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? म्यांमार। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस की प्रिपरेशन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।